अभी एक प्लान बनाया है, हमें ढाबे पे जाना है। सो अभी टाइम हो चुका है 4:15 और 5 पहुंचना है 5 बजे तक। सो व्हाट्स अप पीपल, कुलदीप दिस साइड बैक विद अनदर वीडियो। चलिए शुरू करते हैं, रास्ते में बताते हैं एक्चुअली में क्या प्लान है और हम क्यों मिल रहे हैं। ये आई थिंक लास्ट मीटअप है, थोड़ा सा मैं आईडिया देता हूँ, लास्ट मीटअप है कुछ बड़ा होने से पहले। सो इसलिए जाना ज़रूरी है। और अभी टाइम ऐसे शाम के 4:15 हो रखी है और बारिश हो रखी है 2 दिन से ज़बरदस्त वाली। बट बाकी बातें करते हैं गाड़ी में, क्योंकि आज मैं गाड़ी से जाने वाला हूँ, बाइक से नहीं जाने वाला क्योंकि मौसम ऐसा है। सो एक्चुअली में मीटअप इसलिए है क्योंकि यार वेदर चल रहा है ख़राब और प्लस मुझे एक दिक्कत हो गई थी, मेरा ईयर इन्फेक्शन हो गया था, तो वो रिकवर करने में थोड़ा सा टाइम लगे, थोड़ा सा एक दिन के लिए डिले किया है वैसे मेरे जो राइड का प्लान था। मीटअप इसलिए है क्योंकि एक दिक्कत और आ रखी है जो कि मैं अभी रिवील नहीं कर सकता। वो दिक्कत अगर सोल्व हो जाती है तो वीडियो में आपको पता चल जाएगा, नहीं तो अदरवाइज़ एक दो दिन के लिए प्लान को और आगे बढ़ाना पड़ सकता है। वेदर भी अब काफ़ी दिन के लिए ख़राब रहने वाला है, बारिश होने वाली है और बारिश में लॉन्ग राइड करना वो भी विंटर में टफ होता है और बीमार होने का रिस्क होता है स्पेशली इन कोविड के कारण, है ना। मतलब बीमार होने तो आप अफोर्ड ही नहीं कर पाते, तो काफ़ी दिक्कत आने वाली है इसके कारण। बट अभी हम जैसे हम ढाबे पे जा रहे हैं, वहाँ पे जाके बात करने वाले हैं, फाइनलाइज़ करने वाले हैं, छोटी छोटी डिटेल्स को फाइनलाइज़ करेंगे। होपफुली हमारा प्लान ना सक्सेसफुल हो और आप भी होप करते होंगे क्योंकि आपको भी देखना चाहते, आप भी देखना चाहते होंगे हमारी लॉन्ग राइड की वीडियोज़। तो अभी वहाँ जा रहे हैं, वहाँ पर मुझे मिलने वाले हैं प्रभजोत, बाकी जो भी राइडर्स हमारे साथ उस राइड पर जाने वाले हैं, एक दो और भी आने वाले हैं, वो भी आके थोड़ा सा मैंने इनपुट भी दे सकते हैं। बाकी चलने का भी उनका थोड़ा सा कन्फर्म नहीं है, बट मे बी वो चल लें, तो उनके बारे में भी बात करने वाले हैं वहाँ जाके। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं ढाबे पे बाकी सबसे। और मैंने वीडियो वहाँ पे क्यों नहीं बनाया सोच रहे हो कि गाड़ी में चलते हुए क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि यार थोड़ा जल्दी थे, क्योंकि टाइम मतलब कट टू कट चल रहा है आज, तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो मुझे गाड़ी में बनाना पड़ गया। सो रीच ढाबा और प्रमोद भाई आए हुए हैं, बाकी कोई आया नहीं है भाई, आधा घंटा हो गया वेट करते करते, अब हम मंगा रहे हैं। अब हम मंगा रहे हैं भाई, आएंगे जब आ जाएंगे। मैं सोचा कट टू कट चल रहे हैं, बट कट टू कट नहीं था, हमेशा की तरह था। पाँच का मतलब पाँच ही नहीं है, पाँच ही नहीं है भाई। मैं तो चीज आमलेट लेने वाला हूँ, आप देख लो चाप मंगा रहा हूँ, चाप ले लो। कौन कौन सी चाप है, चापे हैं नहीं है भाई? पहले बताओ तुम, टाइम 5 बजे का दिया फिर आए तुम कितने बजे, 6 बजे आए तुम? हाँ क्यों ऐसा क्यों? 6 बजे का टाइम दिया था मेरे, ना ना 5 बजे का दिया था यार। हाँ बता देते मेरी जान, क्या बोलो मेरी जान, 5 बजे का टाइम देके 6 बजे आ रहे हो? 5 बजे का टाइम दिया, 6 बजे इसलिए आया, थोड़ा काम भी होता है दुकान पे भाई। अच्छा फिर बता तो दिया करो कि 6 बजे आना रहता है जब 5 बजे बोलते हैं। जाते जाते निकल गया था, कोई कस्टमर आ गया था, उसमें मैं रुक गया। ये कोई नई बात यार, कुछ नई बात ये थी, इसने वेट करा आज मेरे लिए पहली बार। भाई ये बिल्ली है ना, पता नहीं कब से तंग कर रही है, और मुझे लग रहा है डर। नहीं, नहीं, निकले किसी और को भी लग रहा डर ना भाई, नहीं लग रहा दोस्त अपनी घर लेके जा रहे हैं। चिंकी नाम है। हेलो हेलो। और भाई प्रमोद भाई ने पता नहीं क्या क्या निपटा दिया है भाई, ले गया है भाई साहब के डोले। देखो यार भाई समझ में नहीं आ रहा, मेरे फेस इतना डोला है, फॉर्म भरी हुई है, फॉर्म ना है ये, मजाक के बाद में करा करो, घर वाली खाना नहीं दे रही, चलो खाने दो यार। हाँ भाई क्या बातें चल रही थी तुम, ये कह रहे हैं कह रहा है एंजाइम पिया करो, कोई एंजाइम कह रहा है, ये शीशी कह रहा है वो भाई प्रमोद भाई, हमने कहा हमारा लीवर सही एंजाइम बनाता है, पाचन शक्ति है पूरी, जब तो चिकन खा लेते हो ना। हाँ बट कुछ उसके साथ आप लेने के लिए भी कह रहे थे डोसेज वगैरह, कह रहे हो एक लिए 52 ले लो बस, और क्या और वो भी ले लो। और भाई वही बताएंगे, नहीं बता यार वही बताएंगे, वही बताएंगे बस, चिकन भी नहीं खाते फिर एंजाइम ले भाई, हम प्रोटीन तो पीते हैं थोड़ा सा, प्रोटीन पीते सही बात है, प्रोटीन में 2 चम्मच डालते हैं भाई। ये कह रहे हैं कि इनके वहाँ पर एक मशहूर कुल्फी वाला, उसके पास एंजाइम नाम की कुल्फी मिलती है, वो खाया करो, है ना भाई। ओ भाई चाय गिरा दी तुमने तो, किसकी अपनी और किसकी? अबे अबे भोरे बिल्ली, बिल्ली बैठी हुई थी भाई, जैसे ये खाना खाते ना देख के मुझे लगता है मुझे भी लेने की जरूरत पड़ जाएगी, एंजाइम नहीं खा तुम रहे हो पर लेने की जरूरत पड़ेगी। तो जिसलिए मीटिंग के लिए आए थे ना, वो सारी चीजें हमने डन कर दी है, वैसे चेंजेस तो आए हैं काफी चीज, मीटिंग तो पता नहीं कितनी हो चुकी है, मीटिंग में मीटिंग हो रही है, बट है ना ये बिल्कुल और फाइनल मीटिंग थी ये, क्योंकि यार मोमेंट भी तो लास्ट आ गया, अब बच क्या गया, फ्लाइट जाने से पहले फाइनल कॉल नहीं होती है, फाइनल कॉल थी, चेंज नहीं होगा बस, अब कुछ चेंज होगा तो कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है, हो गया जो होना था नहीं, इसके बाद वही चेंज होगा, कुछ जा रहा है नहीं जा रहा है, कुलदीप अकेले निकल लेगा, नहीं तो मैं प्रजोत तो निकल लेंगे भाई, मैंने तो पक्का ही है अपना निकल लेंगे, निकल लेंगे तुम देख लेना भाई, हम भी जाएंगे पक्की बात है, जवान देख रहा है कभी लास्ट में, मैं कह रहा हूं जा रहा हूं तो जा रहा हूं इस राइड पे, चलो भाई इसका डन है, 12 कंडीशन आ रही है, ओहो भाई चलो चलो निकलते हैं, चलो
ये भालू शाही की तो ले लो। ये जा रहे हो? जा रहे भाई। हाँ बात रात को बात होगी ना हमारी। अभी रात रह गई है। सो केम बैक उसके बाद है ना, बस मैं बैठ गया वीडियो वीडियो देखने लग गया था अपनी, बट अभी मेन इंपॉर्टेंट काम बाकी है कि आइटनरी बना रही है। इतनी लेट आइटनरी बनानी पड़ रही है मुझे, क्योंकि ना हमारा जहाँ जाने का प्लान था वो चेंज हो गया। हम लोकेशन हमने दूसरी ढूंढी है क्योंकि वहाँ नहीं जा पाते। एक फाइनल चीज रह गई थी वो कम्प्लीट नहीं हो पाई, इसलिए हमने प्लान एकदम सडनली चेंज किया। इसलिए हमारी फाइनल मीटिंग थी। सो अभी मुझे आइटनरी तैयार करनी है। रात को बैठ के आराम से, मैंने आराम से नहीं लेट तक, काम तो आराम से होगा पर लेट तक होगा, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है। तो उसको वो कम्प्लीट करना है, मुझे आज करके देना है, क्योंकि फिर सबको आइडिया हो जाएगा कि हमें कितना डे लगने वाले हैं, फिर हम थोड़ा सा प्लानिंग उसके अकॉर्डिंग कर पाएंगे। बट हमारी मीटिंग तो ये फाइनल थी, लेकिन किंतु परंतु कल मैं प्रभजोत के पास आज जाने वाला हूँ। एक छोटा सा काम और रह गया है, वो कंप्लीट होने वाला है, उसके बाद ही हम राइड के लिए निकलेंगे। सो राइड काफ़ी नज़दीक आ गई है, मेरी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट हो गई, बस आइटनरी बन जाए। आइटनरी बनने में यार सबसे ज़्यादा तो होता है, बट बनानी पड़ेगी, क्या करें, ये जिम्मेवारी मेरे लिए दी गई है तो मुझे ही करना पड़ेगा। तो इस वीडियो को वैसे मैं शॉर्ट एंड सिंपल रखता हूँ, क्योंकि यार ज़्यादा कुछ था नहीं बताने के लिए। जो बनाया था, जो आज डे हमारा निकला है, वो मैंने आपको दिखा दिया है हमारे राइड से रिलेटेड। सो अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, सब्सक्रिप्शन अब भी नहीं कर रहे हो, इतनी एडवेंचरस राइड आने वाली है तो क्या कर रहे हो आप, तो हिट द सब्सक्राइब बटन। सो मिलते हैं ऐसी वीडियो में। लिव यू लाइफ, लिव यू ड्रीम। एक चीज़ और रह गई है कि फैमिली को कन्विंस करना, क्योंकि पहले बताया था कोई सी और लोकेशन पर जाना है, बट अब बताया कि अब दूसरी लोकेशन ने वहाँ पर जाने वाले हैं। तो सो फैमिली भी थोड़ी सी कन्फ्यूज लग रही है कि अब ये क्या आ गया नया तरीका, कि पहले कहीं कह रहे हो जाने के लिए, अब कब कहीं कह रहे हो जाने के लिए, और डेज भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो फिर क्या करें। बट चेंजेस होते हैं ना, दिक्कतें होती है, खुद को तो दिक्कतें होती है, फैमिली को भी ऐसा फील होता है कि क्या कर रहे हो।